रायसेन में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। जिला अस्पताल और नगर पालिका के चक्कर काटने के बावजूद मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। नगर पालिका अधिकारी के मुताबिक अप्रैल और मई में 54 मरीजों का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में दैट ऑडिट होने पर 23 लोगों की मौत कोरोना वायरस से नहीं होना माना गया है। अब मृतक के परिजन जिला अस्पताल में कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र बनवाने के भटक रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से मौत होने पर परिजनों के 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। एडमिट किया गया था जिला हॉस्पिटल में, पर उनकी मृत्यु कोविड से हुई थी। सीटी स्कैन में भी कोविड आया गया था, बट हॉस्पिटल वालों को कहना है कि कोविड उनको नहीं था और वो डेथ सर्टिफिकेट पे भी कोविड लिखने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी मृत्यु कोविड से हुई गई थी और सीटी स्कैन में भी कोविड था ऐसा डॉक्टर ने बोला था और उनका इलाज भी कोविड के थ्रू हुआ था। बट हॉस्पिटल वाले मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कोविड का, वो कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे, नॉर्मल सर्टिफिकेट देंगे। ये दिक्कत है कि मैं उनको उनका कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहा हूँ। कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले पाऊंगा तो मैं आगे की कार्रवाई, जो मुझे बेनिफिट्स मिलने हैं वो नहीं मिल पाएंगे मुझे। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के भी शामिल थे जो इनकी यहाँ पे इनकी डेथ यहाँ लाए थे। ये किस तरह शव आपको सौंपे जाते थे? ये हॉस्पिटल से जो है वहाँ से जो है अवगत कराया जाता था, तो हम अपने सब वाहन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा के कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो शासन के नियम निर्देश हैं उनका पालन करते हुए उनके दाह संस्कार में पूर्ण सहयोग करते थे और उसको दाह संस्कार करवाते। सरकार की ऐसी गाइड थी कि जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं या जो सस्पेक्ट हैं उनको विधिवत पैक करके नगर पालिका या उनके परिजनों को डेड बॉडी हैंड ओवर कर दीजिए। नहीं, कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होगी तभी उसको पॉजिटिव माना जाएगा। शासन की जो गाइडलाइन है उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र में जब तक रिपोर्ट उसमें पॉजिटिव नहीं लगी होगी।